वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने एक्टिव पैसिव के बारे में जाना था कि एक्टिव पैसिव क्या होता है। एक्टिव पैसिव की डेफिनेशन पढ़ी थी, एक्टिव पैसिव के कुछ रूल्स थे वो हमने डिस्कस किए थे। अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि एक्टिव पैसिव एक्टिव वॉइस में आपको टेंस के अकॉर्डिंग ये चीज़ें आपको मिलती हैं तो आप पैसिव वॉइस में उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, एक्टिव वॉइस में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में EIS, क्या तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी क्या, या आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में EIS मिलेगा, तो आप क्या करेंगे, इस MR प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। समझ में आ गई ये सबको? दोबारा सुन लीजिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में EIS मिलेगा तो आप इस MR प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ओके, देखिए बेटा, सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी यानी पास्ट टेंस मिलेगा, तो आप क्या करेंगे, वॉज वर्ब, ओके, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे जब आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलती है। अगला देखिए, डज नॉट या डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डज नॉट या डू नॉट नेगेटिव सेंटेंस में मिलेगा या आपको ये, तो आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है, क्या बेटा, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है तो आप वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए बेटा, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING मिलता है, क्या इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING आपको मिलता है तो आप क्या करेंगे, इज एम आर प्लस बींग BEING बींग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए बेटा, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर मिलती है आपको, क्या, दोबारा सुन लीजिए, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आपको मिलती है तो आप हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है अगर आपको, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है तो आप हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ओके, अब देखिए बेटा, आपको विल शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है, क्या, विल शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आपको मिलती है तो आप विल शैल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब देखिए बेटा, मॉडल्स आपको कुछ क्या मिल जाते हैं, मॉडल्स भी मिल जाते हैं, जैसे विल शैल कैन कुड मे माइट should, would, ये क्या है बेटा, मॉडल्स है, क्या है बेटा, मॉडल्स है। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में अगर आपको मॉडल्स भी मिल जाते हैं तो आप इन सेंटेंस के साथ में बी लगाएंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। दोबारा सुन लीजिए, विल शैल कैन कुड मे माइट शैल शुड वुड बी, इसके साथ में आपको क्या लगाना होगा, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना हो गया। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया अच्छे से, वेरी गुड। अब देखिए बेटा, एक्टिव पैसिव चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस, आपको टेंस के अकॉर्डिंग एक्टिव पैसिव चेंज करने होंगे। सबसे पहले देखिए, सिंपल प्रेजेंट क्या है, सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करती हूँ मैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब, देखिए बेटा, हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी होगी हमें, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होगी। तो आपको एक एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल राम टीच्स मी, क्या है सेंटेंस, राम टीच्स मी, यहाँ पे राम क्या है बेटा, सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है, टीच क्या है, वर्ब है, टीच क्या है, वर्ब है, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। दोबारा सुन लीजिए, राम क्या है बेटा, यहाँ पे सब्जेक्ट है, टीच क्या है, वर्ब है, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब देखिए, हमने गोल्डन रूल्स पढ़े थे, उनमें फर्स्ट रूल मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट पुट इज प्लेस ऑन
ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पे चला जाएगा। ये रूल पढ़ा था हमने फर्स्ट, तो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग देखिए आप, मी को क्या बनाऊंगी मैं, किसमें चेंज करूंगी, आई में। मी का चेंज किस में होता है, आई में हो जाएगा। मी क्या बन जाएगा, यहाँ पे आके सब्जेक्ट बनेगा, तो यहाँ पे आई। ओके, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, आई के साथ क्या यूज होगा, इज एम आर में से क्या यूज होगा, एम। ओके, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉक, टी ए यू जी एच टी, टॉक बाय ऑब्जेक्ट बन जाएगा ना सब्जेक्ट, तो राम क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो राम से पहले क्या यूज करेंगे हम, बाय, तो बाय राम। ये बात सबको समझ में आ गई। ओके, सेकेंड सेंटेंस देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सेकेंड सेंटेंस में किसका करवा रही हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ओके, तो देखिए बेटा सेंटेंस देखिए इसका, हरी टॉक हिम। यहाँ पे ऑलरेडी वर्ब की कौन सी फॉर्म दी हुई है, सेकेंड फॉर्म दी हुई है। कौन सी फॉर्म दी हुई है, सेकेंड फॉर्म दी हुई है। ये क्या है बेटा, सब्जेक्ट है, ये क्या है वर्ब है, ये क्या है ऑब्जेक्ट है। ओके, तो देखिए ऑब्जेक्ट को क्या बनाऊंगी मैं, सब्जेक्ट बनाऊंगी और सब्जेक्ट को बनाऊंगी ऑब्जेक्ट। तो देखिए सबसे पहले हिम का किस में चेंज करेंगे, सबसे पहले आप ये सेंटेंस देख लीजिए, पहले तो आप ये सेंटेंस देख लीजिए। सबसे पहले देखिए अब बताइए मेरे को, हिम का किस में चेंज हो जाएगा, ही में। हिम का सबसे पहले किस में चेंज करेंगे, ही में। यहाँ पे हिम क्या है, ऑब्जेक्ट, इसको मैंने क्या बना दिया, सब्जेक्ट। ओके, यहाँ पे देखिए वर्ब की कौन सी फॉर्म दी हुई है बेटा, आपको सेकेंड फॉर्म दी हुई है। सेकेंड फॉर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में क्या आएगा, वॉज। टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉक की होती है, बाय हरी। ओके, क्योंकि यहाँ पे हरी क्या था, सब्जेक्ट था, जो कि यहाँ पे क्या बन चुका है, ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए जो आपका अगला जो फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल सेंटेंस में देखिए बेटा नीचे क्या होता है, ये तो इसका था, ठीक है। अभी सिंपल फ्यूचर का देख लीजिए आप, इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, विल, शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज करते हैं। तो मैंने अभी सेंटेंस राम विल टीच मी। ओके, सेंटेंस मैंने दिया है राम विल टीच मी। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए क्या होगा चेंज, अभी राम क्या है बेटा, सब्जेक्ट है, विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब ही है, टीच क्या है, मेन वर्ब है, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखिए मैं सेंटेंस ही यहाँ पे बनाती हूँ। सबसे पहले मी को किस में चेंज करेंगे, आई में। ओके, सबसे पहले मी को किस में चेंज किया मैंने, आई में। आई में चेंज कर लिया, सबसे पहले मी को मैंने क्या बना दिया यहाँ पे, सब्जेक्ट बना दिया, ये सब्जेक्ट बन गया। मी को किस में चेंज किया मैंने, आई में। अब आई के साथ में, आई और बी के साथ में हमेशा किसका यूज होता है, शैल का। आई और बी के साथ में हम किसका यूज करते हैं, शैल का यूज करते हैं, विल का यूज नहीं होता है। तो आई के साथ में क्या जाएगा यहाँ पे, शैल। ओके, अब साथ में हमें क्या लगाना होगा, बी, क्योंकि ये क्या है, मॉडल भी है। ओके स्टूडेंट्स, बी टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉप बाय राम। ओके, राम का, अंडरस्टैंड, ये बात सबको समझ में आ गई। मी को किस में चेंज किया मैंने, आई में, तो आई और बी के साथ में क्या आता है, शैल, तो शैल आ गया, ठीक है। और मॉडल्स के साथ में हमेशा बी एड होता है, तो बी ई बी हो गया, शेल के बाद में बी, टीच की थर्ड फॉर्म टॉप बाय राम। ओके स्टूडेंट्स, ये बात सबको समझ में आ गई। ओके स्टूडेंट्स, बी टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉप बाय राम। ओके, राम का, अंडरस्टैंड, ये बात सबको समझ में आ गई। मी को किस में चेंज किया मैंने, आई में, तो आई और बी के साथ में क्या आता है, शेल, तो शेल आ गया, ठीक है। और मॉडल्स के साथ में हमेशा बी एड होता है, तो बी ई हो गया, शेल के बाद में बी, टीच की थर्ड फॉर्म टॉप बाय राम। ओके स्टूडेंट,
स्टूडेंट्स अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अब ये तरफ देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इस एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इस एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ओके तो देखिए बेटा, राम इज टीचिंग मी, यहाँ पे राम क्या है, सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है। इस क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। टीचिंग क्या है, मेन वर्ब है। और मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। ओके अब देखिए मैं इसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करती हूँ। सबसे पहले जो मी है वो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट है, वो क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। ओके और राम क्या है, और सब्जेक्ट है, ये बनेगा ऑब्जेक्ट है। ओके अब देखिए बेटा, मी को मैं किस में चेंज करूँगी, आई में। ओके अब देखिए आई के साथ में इज एम आर में से कौन सा आएगा, एम आएगा, एम। अब देखिए बेटा एम प्लस बीइंग हमें क्या लगाना होगा, प्लस में बीइंग। टीचिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, यहाँ पे देखो टीचिंग है, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉक बाय राम। ओके स्टूडेंट्स, आई एम बीइंग टॉक बाय राम। ओके स्टूडेंट्स, ये बात सबको समझ में आ गई, ये सेंटेंस कैसे मैंने एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज किया। अब देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, अब कौन सा सेंटेंस लेंगे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ओके देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो देखिए सेंटेंस, राम वॉज टीचिंग मी, राम वॉज टीचिंग मी। अभी देखिए राम क्या है, सब्जेक्ट है, वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, टीचिंग क्या है, मेन वर्ब है, और मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब देखिए मैडम हम इसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे सेंटेंस को चेंज करेंगे, और ध्यान से सुनिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ओके सबसे पहली बात तो ये है, तो मी को किस में चेंज करूँगी मैं, आई। ओके तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगेगा, वॉज बीइंग, बीइंग लगेगा क्योंकि वॉज के साथ में क्या है, टीचिंग में आई एन जी लगा हुआ है, तो बीइंग लगेगा। अब देखिए टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉक बाय राम, बाय राम। ओके स्टूडेंट्स, बाय राम, आई वॉज बीइंग टॉक्ड बाय राम, समझ में आ गया सबको। अब देखिए बेटा परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखिए बेटा हैज हैव प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, हैज हैव प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे देखिए राम क्या है, सब्जेक्ट है, हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्प क्या है, मेन वर्ब है, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। ओके अब देखिए कैसे इसे एक्टिव से हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं इस सेंटेंस को। सबसे पहले मी किस में चेंज हो जाएगा, आई। ओके ऑब्जेक्ट क्या बन गया यहाँ पे, सब्जेक्ट। अब देखिए आई के साथ में क्या यूज होगा, हैज हैव में से हैव, आई हैव यूज होता है के साथ में, आई हैव बीन, बीन लगेगा क्योंकि देखिए हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, तो आई हैव बीन। हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हेल्पी होती है, क्या होती है, हेल्प्ड बाय राम। ओके स्टूडेंट्स, राम यहाँ पे क्या था, सब्जेक्ट, यहाँ पे बन गया ऑब्जेक्ट। ये बात सबको समझ में आ गई। ओके स्टूडेंट्स अब देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या होती है, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए बेटा यहाँ पे हम सेंटेंस लेते हैं, राम हैड हेल्प्ड मी, यहाँ पे राम क्या है, सब्जेक्ट है, हैड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्प्ड क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है, मेन वर्ब है, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। ओके अब देखिए हम इसे एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले मी को क्या बनाऊंगी मैं यहाँ पे, सब्जेक्ट, तो मी किस में चेंज हो जाएगा, आई, किस में चेंज हो जाएगा, आई में, आई हैड, साथ में क्या लगेगा, बी, ठीक है। अब देखिए हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हेल्प्ड ही होती है, तो हेल्प्ड बाय राम। ओके स्टूडेंट्स समझ में आया, ये किसका सेंटेंस था, पास्ट परफेक्ट टेंस का, जिसमें हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। सेंटेंस देखिए, राम हैड हेल्प्ड मी, यहाँ पे राम क्या है, सब्जेक्ट है, हैड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्प मेन वर्ब है, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले मैंने मी को किसमें चेंज किया, आई में, तो आई
हैड बीन हेल्प की थर्ड फॉर्म हैड बाय राम। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया सबको। अब देखिए बेटा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए राम क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, विल हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है, हैव मेन वर्ब है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले हम इसे चेंज कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले आई किस में चेंज हो, मी किस में चेंज होगा, आई, मी किस में चेंज होगा, आई में। तो आई के साथ में विल शैल में से किसका यूज होता है, आई के साथ में किसका यूज होता है, हमेशा शैल का यूज होता है। किसका यूज होता है, शैल का यूज होता है आई और बी के साथ में। तो आई शैल, आई शैल हैव बीन हेल्प की थर्ड फॉर्म हैड बाय राम। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया ये सेंटेंस सबको, आई शैल हैव बीन हेल्प बाय राम। अब देखिए बेटा, दीज टेंस आर नॉट कन्वर्ट इंटू पैसिव वॉइस। कुछ ऐसे टेंस हैं वो क्या नहीं होते, एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होते हैं। उनके मैंने आपको सेंटेंस भी नहीं बताए हैं क्योंकि वो एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होते हैं। सुन लीजिए, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस ये भी चेंज नहीं होता, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फोर्थ है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल भी एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होते। ओके स्टूडेंट्स, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए बेटा, कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं। सबसे पहले मैंने फोर एग्जांपल लिखे हैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर, ये आपको एग्जांपल एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, आई टीच हिम, फर्स्ट एग्जांपल है आई टीच हिम। आई क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, आई क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। टीच क्या है, यहाँ पे वर्ब है। देम क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ओके, ये बात सबको समझ में आ गई, आई क्या है, सब्जेक्ट है, टीच वर्ब है, देम ऑब्जेक्ट है। अब देखिए, मैं इसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करती हूँ। देम का बेटा किस में चेंज होता है, देम का किस में चेंज होता है, दे में। देम का किस में चेंज होता है, दे में। तो ऑब्जेक्ट का क्या बनेगा, सब्जेक्ट, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, दे। क्या आएगा, देम को मैंने किस में चेंज कर दिया, दे में। दे के साथ में देखिए बेटा, ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये प्रेजेंट सिंपल है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, यूज इज एम आर। तो इज एम आर में से दे के साथ क्या आएगा बेटा, आर। क्या आएगा, दे आर। टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉक, टी ए यू जी एस टी, टॉक बाय। आई का किस में चेंज हो जाएगा, मी। ओके स्टूडेंट्स, ये बात सबको समझ में आ गई। अब सेकेंड सेंटेंस, माय सिस्टर हैड हेल्प्ड हिम, माय सिस्टर हैड हेल्प्ड हिम। यहाँ पे देखिए, माय सिस्टर क्या है, सब्जेक्ट है, हैड, हैड क्या है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्प्ड क्या है, मेन वर्ब, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट। ओके, अब देखिए कैसे चेंज करते हैं हम इसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में। हिम को किस में चेंज कर दूंगी बेटा मैं, ही में। किस में चेंज हो जाएगा, ही में। तो देखिए बेटा, सबसे पहले आएगा ही। ओके, अब देखिए, ही हैड, हैड होता है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, साथ में हैड बीन हो जाता है, हैड बीन हो जाएगा ना, हैड बीन हो जाएगा। ही हैड बीन, हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हेल्प भी होती है, हैड बाय माय सिस्टर, बाय माय सिस्टर। ये बात सबको समझ में आ गई, ही हैड बीन हेल्प्ड बाय माय सिस्टर। ओके, अब देखिए बेटा थर्ड एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल देखिए, लक्ष्मी विल हैव हेल्प हिम, लक्ष्मी विल हैव हेल्प हिम। अभी लक्ष्मी क्या है, सब्जेक्ट है, विल क्या है, विल हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्प क्या है, मेन वर्ब है, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले देखिए, हिम को किस में चेंज करूंगी मैं, ही में। यहाँ पे ही क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया, किया गया। देखिए, ही विल, विल हैव बीन, यहाँ पे देखिए है,
विल के साथ में हैव होता है तो क्या आ जाता है साथ में, बीन भी आ जाता है. विल हैव बीन जो मैंने आपको चार्ट लिखवाया था उसमें आप देखिएगा, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किसके साथ मैंने क्या यूज़ किया है. ओके स्टूडेंट्स, ही विल हैव बीन, हैव की थर्ड फॉर्म हैव्ड. हमेशा एक्टिव से पैसिव वॉइस में कोई भी सेंटेंस चेंज करेंगे तो थर्ड फॉर्म का ही यूज होगा. ओके स्टूडेंट्स, तो हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होगी, हेल्प्ड बाय बाय लक्ष्मी. अब देखिए बेटा अगला सेंटेंस, सेंटेंस नंबर फोर, सीता इज टीचिंग हिम. सीता इज टीचिंग हिम, यहाँ पे सीता क्या है, सब्जेक्ट है. इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है. टीचिंग क्या है, मेन वर्ब है. हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है. अब देखिए जो ऑब्जेक्ट है उसे क्या बनाएंगे हम, सब्जेक्ट बनाएंगे. हिम को किस में चेंज करूंगी मैं, ही में, ही में चेंज कर दिया. ही के साथ में हेल्पिंग वर्ब इजी लगेगी, इज. अब देखिए जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी होता है तो हेल्प क्या ऐड हो जाता है, साथ में बीइंग भी ऐड हो जाता है. तो ही इज बीइंग, यहाँ पे देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी टीचिंग है, यहाँ पे ही इज बीइंग लगेगा. क्या आएगा, बीइंग भी ऐड होगा. टीच की थर्ड फॉर्म टॉक बाय सीता, बाय